यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के जिन 6 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है उनमें सहरा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एसजीपीआई सहित कुल 6 केंद्र शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 कमरे बनाए गए हैं। पहला वेटिंग रूम का होगा जहां लोग टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे, जबकि दूसरे कमरे में टीका लगाया जाएगा। वहीं तीसरा कमरा ऑब्जर्वेशन रूम का होगा। वैक्सीन दिए जाने के बाद आधे घंटे तक सभी को निगरानी के लिए रोका जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में कोविड-19 की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जाते फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री है। सर ठीक है। वहीं कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन शुरू होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अधिकारी ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का मकसद जो भी चुनौतियां सामने आएंगी उनका पता लगाना है। ड्राई रन में हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब ये टीकाकरण करेंगे कोविड वैक्सीन का असली तौर पर, तो हमें कोई कठिनाई तो नहीं आएगी। जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम दूर कर पाए और स्मूथली जो भी हमें 100 लोगों को टीके लगाने हैं एक सेशन साइट पर, वो 100 लोगों का टीका समय से लग जाए और कोई हमें असुविधा ना हो, उसी के लिए ये ड्राई रन हो रहा है। अभी तो हेल्थ वर्कर्स के लिए पहला राउंड में टीकाकरण हो रहा है, दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होगा और तीसरे में फिर कोमॉर्बिड 50 ईयर से ऊपर वालों को होगा। अभी तो हम यहाँ सहारा हॉस्पिटल, आरएमएल, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, सीएचसी माल और सीएचसी मलियाबाद में इसको कर रहे हैं। देखिए, जनपद लखनऊ में 6 स्थानों पर ड्राई रन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, जिसमें हमारे 4 बड़े अस्पताल शहरी क्षेत्र में, जिसमें पीजीआई, केजीएमयू वर्तमान में जहाँ हम लोग हैं, लोहिया अस्पताल और सहारा हॉस्पिटल है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 सीएचसी, सीएचसी माल और सीएचसी मलियाबाद ली गई है। ये 5 स्टेप में ड्राई रन किया जा रहा है, जो एक्चुअल प्रक्रिया भी इसी रूप में रहेगी। सबसे पहले जो बेनिफिशियरी हैं जिनका वैक्सीनेशन होना, उनका प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन, फिर वो वेटिंग एरिया में आते हैं, वेटिंग एरिया में फिर उनका ऑनलाइन फीडिंग किया जाता है, जिसके बाद एक्चुअल वैक्सीनेशन पॉइंट पर वो जाते हैं। वहाँ वैक्सीनेशन के बाद उनको वैक्सीन कार्ड दिया जाता है, जिसमें द डेट ऑफ वैक्सीनेशन और 28 दिन बाद जो दूसरी डोज लगनी है उसको अंकित किया जाता है, जो उन्हें सुरक्षित भी रखना और एक प्रति रिकॉर्ड में भी रखनी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों का चुनाव करना है। इन्हीं शहरों में वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। गौरतलब है कि अब तक देश के 4 राज्यों में ही ऐसा ड्राई रन किया गया था, जिनमें पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। 4 राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।